हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरे चैनल फैज खुसरू ब्लॉग में। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, जो बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसे हम कहाँ से ट्राई कर सकते हैं और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हालांकि ये वीडियो मोहसिन साहब से मैं बनवाने वाला था, तो वो तो चले गए इंडिया और मैं यहाँ पे फंस गया आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि वो रहते तो अच्छे तरह से समझाते, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस था अच्छा खासा था। वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम किए हैं और ऑयल एंड गैस में भी काम किए हैं, तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज था कि आप लोगों से ये शेयर कर सकें। तो उन्होंने मुझे जैसा बताया तो मैं आप लोग को वैसे ही बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको। आपके पास क्वालिफिकेशन जो होती है आपका, अगर आप इंटर प्लस ग्रेजुएशन अगर करते हो, तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होने से आपके लिए बेटर होता है। तो मैं बता दूं, आपको पहले करना है इंटर होना चाहिए, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन कर ले, अगर बीएससी से है, अगर बीएससी की है तो वो भी अच्छा है। और उसके बाद आपको, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा बीटेक या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से, किसी भी फील्ड से अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो इस फील्ड में आ रहे हैं तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोई भी किसी फील्ड के बंदे इसमें आ सकते हैं। वो अगर चाहे सेफ्टी ऑफिसर जॉब करना, सेफ्टी ऑफिसर में अपनी लाइफ को मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि आप ग्रेजुएशन करके भी आ सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा भी करके आ सकते हैं, बीटेक भी करके आ सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं, आप अगर ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। और बीएससी जरूरी नहीं है कि आपके पास बीएससी हो, अगर बीए या बीकॉम भी है तो आप आ सकते हो, बस आपके पास सेफ्टी के कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो पहला है आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो या फायर से हो, किसी भी से एक होना चाहिए जो आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा हो। दूसरा चीज है आपके पास ओसा या आयोस, ये होना चाहिए तभी आप ट्राई करें, क्योंकि अभी तो ओसा या आयोस से ट्राई करने पे भी जॉब गल्फ के लिए नहीं मिल रहा है, और इंडिया में शायद हो सके मिल जाए आपको, मगर गल्फ में आपको इंटरव्यू देने के लिए एक सर्टिफिकेट है जो आपके पास होना चाहिए, वो है निबोस। अगर आपके पास निबोस है तभी आपको इंटरव्यू में यहाँ पे बैठने दिया जाता है गल्फ इंटरव्यू के लिए। जैसे कि मुंबई में आप जाते हो या दिल्ली में जाते हो, तो आपको ये चीज होना चाहिए आपके पास। तो गाइज, मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया बीएससी डिप्लोमा और इंडस्ट्रियल सेफ्टी से डिप्लोमा होना चाहिए, और आयोस, ओशा, निवोस ये आपके पास होना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने जो सवाल किए थे कि सर, मुझसे नहीं किए थे, मोहसिन सर से किए थे, क्योंकि मैं तो बस बता रहा हूँ कि इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश या पूरी इंग्लिश होनी चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि इस फील्ड में अगर आपके पास बेसिक इंग्लिश है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस है तो, क्योंकि आपको जो साइट पे जो काम करना होता है वहां पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, इनसे इतना हो कि आप इनसे कम्युनिकेट कर सके। और दूसरी बात, वर्करों से जो होती है आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो अलग अलग फील्ड से होते हैं, तो बस वो काम सीख के यहाँ पे आते हैं, वेल एजुकेट नहीं होते हैं, तो आपको उनसे हिंदी या लोकल लैंग्वेज में ही काम चलाना पड़ता है। और इस तरह से मतलब यहाँ पे आप आके ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट्स होता है, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद मिलती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, बस यही है। और दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, अगर आप इंडिया में काम किए हो तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए है, क्योंकि आप काम किए हो तो आपको नॉलेज भी रहेगा कि किस तरह से आपको इंटरव्यू निकालना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप गल्फ एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपके लिए कुछ बोलना ही नहीं मेरे को, क्योंकि आप खुद जानते हो कि किस तरह से आपको ट्राई करना है। और ये फील्ड अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और मोहसिन साहब जो कर रहे थे वो इंडिया जो चले गए अभी 3 महीने जॉब करके, क्योंकि वो शटडाउन पे थे, वो 6 मंथ के लिए आए थे, हालांकि उनको हेल्थ इशू होने की वजह से वो चले गए, इसलिए आपके सवालों का जवाब मुझे देना पड़ रहा है। तो बस उन्होंने जो बताया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ,
क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं वीडियो उनसे ही बनवाऊं, मगर नहीं बना पाया। अगर इन फ्यूचर कभी मिलूंगा तो एक वीडियो उनसे भी बनाकर डालूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने पसंद की उनकी वीडियो को देखे हैं, करीब 4.8K चला गया है, तो अच्छी बात है मेरे लिए भी, मेरे चैनल के लिए भी। और उम्मीद करता हूं कि आप सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि उनसे भी सब्सक्राइबर बहुत सारा मेरे चैनल पे बढ़े हैं। और एक था सवाल जो कुछ लोग कर रहे थे कि सर मैं, सॉरी मोहसिन सर, आप ऐसे कंसल्टेंट के बारे में बताया जहां से जेन्युइन काम हो। तो कुछ कंसल्टेंट है जो मैं भी जानता हूं, और मोहसिन साहब तो बहुत सारे जानते थे क्योंकि उन्होंने मुंबई में जाकर ट्राई किया था। तो मैं बता दूं कुछ कंसल्टेंट के बारे में। अभी जो इधर में मोहसिन साहब जो आए थे, फर्स्ट वो आए थे कॉन्टिनेंटल से, दूसरा जो आया, दूसरी बार जब वो आए तो साउंड लाइन से आए थे, जो मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है। और कॉन्टिनेंटल भी अच्छी ऑफिस है, मैं तो नहीं आया, मैं आरके ट्रेवल से आया था जो मुंबई में है, मैं उस ऑफिस से आया था, और दूसरी बार मैं साउंड लाइन से आया हूँ। तो इन ये सब जो ऑफिस है ये जेन्युइन है, जो मैं जानता हूँ मैं आपको बताया, क्योंकि जिस ऑफिस के बारे में मैं नहीं जानता मैं नहीं बताऊंगा। तो इन ऑफिस में ट्राई करें आप। और दूसरी ऑफिस जो है HR इंटरनेशनल, जो दिल्ली में है, आप वहां से भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये 3-4 ऑफिस के बारे में मैं जानता था जो जेन्युइन तरीके से काम कराते हैं। तो गाइज आप वहां से ट्राई कर सकते हो, अगर इंटरव्यू कभी आती है वहां पे। तो मुंबई में तो आपको पता चल जाता है कि इंटरव्यू मतलब क्या क्या इंटरव्यू किस ऑफिस में है, तो आप वहां से एक न्यूज़पेपर आता है एब्रॉड टाइम्स बोलकर, उसे आप खरीद ले, वीक में वो 2 बार आता है, तो उसे खरीद के आप वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कि गल्फ के लिए सेफ्टी इंटरव्यू कहाँ पे है, और इस पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई करना चाहते हो एज अ सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी सुपरवाइजर इस फील्ड में करना चाहते हो, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग फ्रेशर्स थे उनको मैं सही से जानकारी दे पाया, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज था मैंने आपको बताया, जो मोहसिन साहब मुझे बता गए थे। तो आप फ्रेशर हो तो डरने की कोई बात नहीं है, और बेसिक इंग्लिश आपकी होनी चाहिए जो आप जिससे कम्युनिकेट कर सकें, और बेफिक्र होकर आप ट्राई करें। अगर आप गल्फ आना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप कोशिश तो कर रहे हैं कि गल्फ आना मुझे, क्योंकि आप गल्फ में आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे यहाँ पे काम करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे पाया हूँ सही से। तो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।